नमस्कार, मैं पिन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मिथुन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप एसएससी जीडी 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एसएससी जीडी 2022 का पेपर, जो कि आपका 13 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है। इसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं इनको एक एडवांस अप्रोच के साथ आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको एग्ज़ाम लेवल जो अप्रोच है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को किस तरीके से करना चाहिए वो भी आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। तो इस क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा अगर आप जीडी 2024 एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपका जो टारगेट है वो कम से कम ये होना चाहिए कि पिछले 3 साल के जो पेपर हैं उनको आप जरूर सॉल्व करके जाइए। इसीलिए मैं पहले 2022 के पेपर को सॉल्व कराऊंगा, फिर 2021 के और फिर उससे पहले वाले जो पेपर हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके अलावा हम आपके लिए ऑल इंडिया लाइव फ्री मॉक भी कराएंगे जो बिल्कुल एग्ज़ाम रिलेवेंट होगा। ये हमारे एप्लीकेशन पर होगा, तो हमने आपके लिए एप्लीकेशन भी बना दिया। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, तो इस एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है यदि इसे 6.4% के लाभ के साथ 450 रुपये में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत क्या होगी। मतलब आपको निकटतम वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो 450 है इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि आपको परसेंट में चीज़ें बतानी है और परसेंट इज़ द पार्ट ऑफ फ्रैक्शन। इसका मतलब है कि रेशियो से आप काम चला सकते हो। यहाँ पे क्या बोला गया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो हमने मान लिया CP अगर 100 है तो उसका जो MRP है वो कितना है, उससे 25% अधिक यानी कि 125 है, क्लियर। अब यहाँ पे 6.4% के लाभ के साथ उसको बेचा जाता है, तो अगर 100 रुपये की चीज़ को 6.4% के लाभ पर बेच रहे हो इसका मतलब है 106.4 का बेच रहे हो आप, 106.4 का बेच रहे हो। तो आपसे यही पूछ रहा है कि अगर 125 रुपये की चीज़ को आपने, जिस वस्तु का MRP 125 है उसको अगर आपने 106.4 रुपये में बेचा तो कितने का आपने डिस्काउंट दिया, तो कितने का डिस्काउंट दिया इसका डिफरेंस आप निकालो। देखो यहाँ पे 10 में से 4 गया तो कितना बचा, 6। उसके अलावा 14 से 6 गया तो कितना बचा, 8। और यहाँ पे कितना जाएगा आपका, 1, यानी कि 18.6 का आपने डिस्काउंट दिया। किस पे, 125 पे। डिस्काउंट हमेशा MRP पे दिया जाता है। तो ये 100 का कितना है, तो 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125, 6 चौक 24, गुणा करेंगे 6 चौक 24, हासिल लगा 2 और 6 अट्ठे 4 अट्ठे 32 और 2 कितना हुआ आपका 34, हासिल लगा 3, 4 एक 4 और 3 कितना हुआ आपका 7, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एक 5 कितना बचा 2, 24 हुआ तो 5 चक्कू 20 और फिर 5 अट्ठे 40 यानी कि 14.8 आएगा। तो ये किसके बराबर है, 15%, इसे लगभग हम लोग कह सकते हैं 15%। तो आपने देखा कि यहाँ पे ये जो 450 ही आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परसेंट में अगर ऑप्शन है तो इसका मतलब है कि हम फ्रैक्शन से काम अपना चला सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो अगर 4 संख्या समानुपात में है, मान लेते हैं कि इसका चतुर्था जो अनुपाती होगा वो x होगा, तो अगर 4 संख्या समानुपात में है तो इसका मतलब है 3 का 5 से वही अनुपात होगा जो 9 का x से होगा। तो 3 से काटेंगे 3 3 9 55 15, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ पे कितनी वैल्यू है आपकी, 4 5 2 3 5, बार देखो कहाँ तक लगा, यहाँ तक लगा, जो बार के अलावा जो नंबर है वो इसमें से घटा दो और नीचे आपका क्या आएगा, जहाँ तक बार है उस पर आप 9 9 उतने बार लिखो, तो 3 नंबर पे जो है बार है तो 3 बार हमने 9 9 लिख लिया, बाकी जो फ्री हैं उन पे जितने नंबर फ्री हैं उन पे उतने 0 लगा दो, यानी कि कितना आएगा, ये आएगा। बस इसे सॉल्व कर लो, यहाँ पे 5 में से 5 गया तो कितना बचा 0, 13 में से 4 गया तो कितना बचा 9, यहाँ पे कितना आया 1 और यहाँ पे कितना आया 5 और यहाँ पे 4 बटे 9 9 9 0 0, तो 1 किससे कैंसिल हो गया, यानी कि आंसर कितना आएगा, 4 5 1 9 अपॉन 9 9 9 0। तो इसका मतलब है पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 2 पार्टी द्वारा लड़े गए एक चुनाव में पार्टी ए ने पार्टी बी से कुल मतों का 16% अधिक मत प्राप्त किए। यदि पार्टी बी को 25,200 मत मिले और कोई मत अमान्य नहीं है, इसका मतलब है 100% वोटिंग हुई और 100% के 100% वोट जो थे वो वैलिड थे, ठीक है। तो पार्टी बी कितने
मतों से चुनाव हार गई, पार्टी जो थी वो कितने मतों से चुनाव हार गई, इसका मतलब है देखो ए ने पार्टी बी को कुल मतों का 16% अधिक मत प्राप्त किया, इसका मतलब जो हार जीत हुई वो इस 16% से तो हुई, यानी कि 16% की वैल्यू ही आपको निकालनी है। लेकिन वो 16% की वैल्यू कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको दिया हुआ है कि बी ने कितने मत प्राप्त किए, 25,200। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसमें है कुछ नहीं, यहाँ पे दिया हुआ ए ने बी से कुल मतों का 16% अधिक मत प्राप्त किया, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 16 है, 100% वोटिंग हुई, इसका मतलब 84% जो वोट है इन दोनों में बराबर बराबर बटे, तो 84 का आधा इसका मतलब कितना हुआ, यानी कि 42% बी को भी मिला और ए को भी मिला और 42% जो है वो बी को भी मिला। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन इस बात को बताती है कि किसको कितना ज़्यादा मिला, ए ने पार्टी बी से कुल मतों का 16% अधिक प्राप्त किया, यानी कि ए को बी से कितना अधिक मिला, 16 अधिक मिला, इसका मतलब है ए ने टोटल कितने मत प्राप्त किए आपके, 58% और बी ने कितने प्राप्त किए, 42%। क्लियर। अब यहाँ पे दिया हुआ है बी द्वारा प्राप्त किए गए जो वोट हैं वो कितने हैं, यानी कि 42% की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है, 42% की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, 25,200। तो यहाँ से ये कितने बार जाएगा आपका, 6 बार चला जाएगा, 6 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, हाँ 6 बार चला गया, इसका मतलब है 1% की जो वैल्यू है वो 600 के बराबर है, तो आपको 16% की वैल्यू निकालनी है, कितनी जाएगी, 16 छक्का 96, यानी कि 9600 होगी। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप समझ पाएंगे, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ए और बी का जो डिफरेंस है वो कितना है, 16% है, और इनको टोटल जो इन दोनों को वोट मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, 100%, क्योंकि कोई भी वोट अगर अमान्य नहीं हो रहा है इसका मतलब है 100% वोटिंग हो रही है, यानी कि 100% इन दोनों के बीच में बट रहा है। तो आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया कि अगर दो संख्याओं का अंतर दिया है और दो संख्याओं का योगफल दिया तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको जोड़ के आधा कर, तो जोड़ के आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 58%, और अगर बी की वैल्यू निकालनी यानी कि छोटी वाली वैल्यू निकालनी तो घटा के आधा कर देंगे, इसका मतलब कितना जाएगा, 42%। तो समझ गए होंगे, ऐसा एक क्वेश्चन और भी पूछा गया इसी शिफ्ट में, ठीक है, अभी उस क्वेश्चन को भी करेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है कि यदि कोई दुकानदार 10% की छूट देता है तो उसे 10% का लाभ होता है, समान स्थिति में यदि वह 25% की छूट प्रदान करता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो हमेशा याद रखो कि अगर डिस्काउंट दिया और प्रॉफिट या लॉस दिया है तो आप जो रेशियो है वो किसका निकाल सकते हो, CP और MRP का निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे, जो डिस्काउंट है वो दिया जाता है किस पे, MRP पे, तो ये किस पे ट्रांसफ़र होगा, CP पे, तो 10 का डिस्काउंट, इसका मतलब CP कितना हो गया, 90, और जो आपका प्रॉफिट या लॉस है वो MRP पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो 10% का लाभ का मतलब MRP कितना हो गया, 110। अब क्या कह रहा है कि समान स्थिति में यदि 25% की छूट प्रदान की जाती है, यानी कि इस पे 25% की छूट प्रदान अगर करेगा तो कितने का बेच रहा है इसे, 110 की चीज़ को 25% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 75% में बेचा, 75/100, तो 25 दिया 75, 25 चक्कू 100, कितना आया, 330/4, तो 4 से काटेंगे, 4 8 32, फिर कितना, 4 2 8, 4 5 20, यानी कि 100 की चीज़, 90 की चीज़ को अगर आपने 82.5 में बेचा तो कितने का डिस्काउंट दिया, 7.5 का डिस्काउंट दिया 90 पे, तो 100 पे कितना डिस्काउंट आएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना जाएगा आपका, 75/9, 9 8 72, कितना बचा, 3 0 होता है, 9 3 27, यानी कि 8.33 आएगा आपका। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है कि पहली तथा दूसरी मिश्र धातु में तांबे और सोने का जो अनुपात है वो 3:4 है और 2:5 है। पहली मिश्र धातु के 14 किलोग्राम को दूसरी मिश्र धातु के 21 किलोग्राम के साथ मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में क्रमशः तांबे और सोने का अनुपात क्या होगा। देखो जब दोनों चीज़ों को मिलाओगे तो सोने से सोना मिल जाएगा, तांबे से तांबा मिल जाएगा। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि पहला वाला जो बर्तन है इसमें सोना है और तांबा है, ठीक है, किस तरीके से लिख लो आप, इसी तरीके से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए, सोना और तांबा है और दूसरे वाले में भी क्या है, सोना और तांबा है, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 14 किलोग्राम, और इसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 21 किलोग्राम, ठीक है। इसका जो अनुपात है पहले वाले में कितना है, 3:4 है, दूसरे वाले में अनुपात कितना है, 2:5 है। तो देखो 3 और 4 7 की वैल्यू जो है वो 14 के बराबर, तो 1:1 की वैल्यू कितने के बराबर, 2 kg के बराबर। इसका मतलब यहाँ पे सोना कितना है, 6,
और 6 किलोग्राम है और तांबा जो है वो कितना है आपका 8 किलोग्राम है। ऐसे यहाँ पे 5:2:7 रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर 21 के बराबर, यानी कि 1 की वैल्यू 3 किलो के बराबर। तो 2 की वैल्यू कितनी आई 6 किलो और ये 5 की वैल्यू कितनी आई आपकी 15 किलो। अब जब इनको मिलाओगे तो सोने से सोना मिल जाएगा, तांबे से तांबा मिल जाएगा, तो सोना 6 6 कितना हुआ 12 किलो हो गया और तांबा जो है वो कितना हो गया 15:8:23 किलो हो गया। यानी कि इसका जो अनुपात होगा वो 12:23 होगा, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि सोहन ने 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर धन उधार लिया, ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया गया था और उसने इसे 3 समान किस्तों में चुकाया। प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना था। यदि प्रत्येक किस्त जो है वो 1250 रुपये थी तो सोहन द्वारा उधार ली गई धनराशि निकटतम वैल्यू तक आपको बतानी। देखो 20% का मतलब क्या हुआ, 20% की फ्रैक्शन आपकी क्या होती है 1/5। इसका मतलब है पहले साल 5 रुपये अगर आपने लिए तो 5 के आपको 6 रुपये देने पड़ेंगे, अगले साल 25 के आपको 36 चुकाने पड़ेंगे, उससे अगले साल क्या होगा इस पे एक और पावर चढ़ाओ यानी कि 125 के आपको 216 रुपए अदा करने पड़ेंगे। किस्त तो हर साल बराबर होती है, इसका मतलब है 216 बनाने के लिए इसको 36 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो 36 से जब गुणा करोगे तो 36 × 5 कितना हुआ 180, यानी कि पहले साल 180 का आपको कितना देना पड़ा 216, अगले साल 25 × 6 कितना हुआ 150 का कितना देना पड़ा 216, फिर 125 का कितना देना पड़ा 216। तो प्रत्येक किस्त कितनी है 216, तो 216 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है 1250 के बराबर है। तो आपको बताना है टोटल जो धनराशि उधार ली गई वो कितनी होगी 180, 125 और 125, यानी कि टोटल आपकी 5, 8, 5, 13, 13, 2 कितना हुआ आपका 13, 2, 15 हासिल लगा 1 और यहाँ पे कितना आया 4, यानी कि 455। तो 455 रेशियो की वैल्यू आपको बतानी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1250 / 216 करेंगे तो 1 रेशियो की वैल्यू और इंटू 455। अब इसे भाई साल्व कर लो, तो ये 216 जो है और यहाँ पे कितना है 455, यानी कि ये दुगने से कुछ ज़्यादा आएगा, ये दुगने से कुछ ज़्यादा आएगा, तो दुगने से कुछ ज़्यादा आएगा तो इसका दुगना करो तो कितना आएगा 1250 का दुगना 2500, यानी कि 2500 से जो धनराशि होगी वो 2500 से कुछ ज़्यादा होगी। अब ऑप्शन चेक करो, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, केवल यही ऑप्शन हो सकता है। तो इसीलिए क्वेश्चंस को लगाने के लिए आप हर एक अप्रोच का यूज़ करो, ऑप्शन पे भी नज़र रखो कि कभी कभी क्या होता है, मोस्टली ऐसा होता है कि एक ही ऑप्शन दिया होता है, तो इस अप्रोच के साथ कर सकते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो है वो 70 है, उनमें से 6 संख्याएँ 32, 69, 72, 65, 79 और 48 है, तो 7वीं संख्या क्या होगी। देखो इसे अप्रोक्सीमेशन के भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अगर वो मेथड लगाओगे तो यहाँ पे देखो जो नंबर हैं वो बहुत कम कम दिए, इसका मतलब डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सिंपल मेथड से लगा लो, 7 संख्याओं का औसत कितना है 70 है, यानी कि इनका सम कितना होगा 7 × 7 = 70 कितना हुआ 49, यानी कि 490, यानी कि इन सभी का भी सम जो होगा वो बराबर इसके बराबर ही होगा। तो इनको जोड़ लो, मान लेते हैं कि जो 7वीं संख्या है वो कितनी है x है, तो इसका मतलब है इनका जो योगफल है वो 490 के बराबर होगा, यानी कि 32 + 69 + 72 + 65 + 79 + 48 + x। तो इसे जोड़ो भाई कितना आया 9, 2, 11, 11, 2 कितना हुआ 13, 13, 5, 18, 18 और 9 कितना हुआ 27, 27 और 8 कितना हुआ 35 हासिल लगा, 35 हासिल लगा कितना 3, 3, 6, 3, 9, 9, 7 कितना हुआ 16, 16, 6 कितना हुआ 22, 22, 7 कितना हुआ 29, 29 और 4 कितना हुआ आपका 33, 33 और 3 कितना हुआ आपका 33 और 3 कितना हुआ आपका 36, यानी कि कितना हुआ आपका 365 + x। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 490 में से आप 365 घटा दो, 10 में से 5 गया तो कितना बचा 5, 8 में से 6 गया तो कितना बचा 2 और यहाँ पे 1, यानी कि 125 आएगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी सिंपल है क्वेश्चन, यहाँ पे ये जो 1280 दिया है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो दिया हुआ है एक फुटकर विक्रेता ने कुछ सामान 1280 रुपये में खरीदा और उसने 1/3 सामान 15% की हानि पर बेच दिया, शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि पूरे लेन देन पर 15% का लाभ हो।
पूरे लेन देन पे 15% का लाभ हो। अब देखो एक तिहाई बोल रहा है, तो एक तिहाई कहने का मतलब क्या हुआ, टोटल जो क्वांटिटी है वो तीन है, उसका एक भाग, तो बचा कितना, दो। तो एक तिहाई कितने पे बेचा, 15% के नुकसान पे बेचा। शेष को कितने फायदे या नुकसान पे बेचे, हमने मान लिया एक्स के फायदे या नुकसान पे बेचे, ताकि टोटल पे उसे 15% का लाभ हो। अब देखो इसका जो सम है वो इसके सम के बराबर होगा, तो 15 तिहाई कितना हुआ, 45%। यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 15% प्लस 2x, ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 60% की वैल्यू 2x के बराबर, तो उसे काटेंगे तो कितना जाएगा, 30%। यानी कि 30% प्लस आने का मतलब है शेष धनराशि को 30% के फायदे पर बेचेगा, तभी टोटल पे 15% का फायदा होगा। क्लियर? तो इसको इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो इसे इसी अप्रोच से करेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे वैल्यू से करोगे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक कार चालक 70 किलोमीटर/आवर की चाल से कार चला रहा है और उसे 35 मीटर आगे एक बस चल रही है, 15 सेकेंड के बाद वह बाद बस उससे 40 मीटर पीछे रह जाती है, बस की चाल क्या होगी। देखो यहाँ पे 35 मीटर आगे चल रही थी और 40 मीटर पीछे रह जाती, इसका मतलब है कि 15 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की गई, 75 मीटर की। क्लियर है? और ये किस रिलेटिव स्पीड से कवर की, क्योंकि आगे पीछे ये इस तरीके से एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं, यानी कि एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे, घटा के निकालेंगे। तो इसकी चाल कितनी है, 70 हमने मान लिया, बस की चाल जो है वो x किलोमीटर पर घंटा, यानी कि दोनों की चाल किलोमीटर पर घंटे में हो गई, तो इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, तो गुणा कर लिया तो टाइम कितना आ रहा है आपका, 15 सेकेंड, यानी कि इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, 15 के बराबर है। अब इसे सॉल्व कर लो भाई, यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 15 × 5 = 75 हुआ, 15 से 15 कैंसिल हो गया, यानी कि 70 माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो 18 के बराबर आ गई, तो एक्स की वैल्यू 70 माइनस 18, दैट मीन कितना हुआ आपका, 52 किलोमीटर/आवर। तो यही पूछ रहा है कि बस की चाल क्या होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 42 सेंटीमीटर² है, यदि इसका लंब 10 सेंटीमीटर है तो इसके आधार की लंबाई क्या होगी। अब समकोण त्रिभुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट, तो बेस हमें निकालना है, हाइट कितनी है, 10 है, एरिया कितना है 42, तो 2 से डिवाइड करेंगे 5, 5 से काटेंगे 5 × 8 = 40, 5 × 20 यानी कि 8.4 आएगा, तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक गोलार्ध के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ठोस गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। देखो गोलार्ध का जो प्रत्येक गोलार्ध, यानी कि जो 2 गोलार्ध बनेंगे उनमें से एक का, तो गोलार्ध का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 3πr² और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 3:4। अब ऐसा क्यों होता है, देखो जो अर्धगोला होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालोगे तो देखो इस पार्ट का जो एरिया होता है वो πr² होता है, क्योंकि पूरे गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 4πr², तो आधे का कितना होगा, 2πr², लेकिन इसमें एक ये सर्किल ऊपर वाला भी होता है, इसी वजह से 2πr² + πr², इसीलिए पूरा जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 3πr², यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक सोफा सेट 10%, 5% और 2% की 3 क्रमिक छूटों के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है, यदि इसका अंकित मूल्य जो है वो 18,000 है तो सोफा सेट का शुद्ध विक्रय मूल्य क्या होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो इसका जो MRP है वो कितना है, 18,000, 10% का डिस्काउंट दिया गया यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 90/100, फिर 5% का डिस्काउंट दिया गया यानी कि 95/100, और फिर 2% का डिस्काउंट दिया गया यानी कि 98/100। अब देखो मैं आपको सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत लंबी चौड़ी गुणा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1 और 1 2 जीरो, ये हमने काट दिए। अब यहाँ पे 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 19, यहाँ पे कितना हुआ, 20, यहाँ पे 2 से काट देते हैं तो यहाँ पे कितना आया, 49। अब देखो गुणा करो, 18 × 9 कितना हुआ आपका, 162 हुआ, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे जब गुणा करोगे तो 19 × 9 कितना हुआ, 171, 80 + 17, 19 × 4 कितना हुआ आपका, 76, और 17 × 7 = 6 = 13 = 83 = 93 हुआ, यानी कि कितना हुआ, 931, और नीचे जो है वो 10 है, यानी कि जो भी आएगा उस पॉइंट जो है वो एक अंक के बाद लगा देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ दिमाग आपको नहीं लगाना है, 162 है इसका मतलब है 160 ले लो, और यहाँ पे 931 है तो 930 लो, देखो अप्रॉक्सीमेट कितनी वैल्यू आती है, जो भी वैल्यू आएगी उससे बड़ा ही
जो होगा वो आंसर होगा। तो 16 तिया कितना हुआ 48, हासिल लगा 4, 16 नम्मा कितना हुआ 144 और 4 कितना हुआ 148, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 15,000 के आसपास आएगा। अब देखो 15,000 के आसपास यही वाला आंसर है, तो ये वाला आंसर टिक कर देंगे। जब भी ऐसा बड़ी कैलकुलेशन आपको करनी हो तो इस तरीके का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है कि पी एक कार्य को 200 दिनों में कर सकता है, क्यू और आर समान कार्य को 100 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी क्यू तथा आर ने एक साथ कार्य शुरू किया तथा उन्होंने 40 दिन तक एक साथ काम किया और फिर क्यू ने काम छोड़ दिया तथा पी और आर ने साथ मिलकर शेष कार्य को 40 दिन में पूरा किया। ज्ञात करिए कि क्यू अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा। देखो पूरे टाइम एंड वर्क में दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, टोटल वर्क और कैपेसिटी, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे क्यू से काम करवाना है तो इसका मतलब है क्यू की कैपेसिटी हमें पता हो और टोटल वर्क पता हो, हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हिंट दिया होगा, क्या दिया है कि पी जो है वो किसी कार्य को 200 दिन में कर सकता है, इसी तरीके से क्यू और आर मिलके उसी समान कार्य को 100 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ से एलसीएम ले लिया कितना 200, यानी कि पी जो है वो एक दिन में एक लड्डू बनाता है और क्यू और आर मिलके एक दिन में दो लड्डू बनाते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि पी क्यू आर तीनों मिलके एक साथ काम शुरू किया और 40 दिन तक काम किया, तो एक साथ काम करते हैं तो तीन लड्डू बनते हैं, तो 40 दिन में कितने लड्डू बने 120, बचे कितने लड्डू बनाने के लिए 80। अब उसके लिए देखो आगे दिया हुआ है 40 दिन तक एक साथ काम किया और फिर क्यू ने काम छोड़ दिया, तो बचा कौन पी और आर ने एक साथ मिलकर शेष कार्य को 40 दिन में कर दिया। देखो 80 काम को अगर 40 दिन में किया, इसका मतलब है पी और आर दोनों ने मिलकर एक दिन में कितने लड्डू बनाए होंगे 2, जबकि यहाँ पे हमें पता है कि पी एक दिन में एक लड्डू बनाता है, इसका मतलब है आर जो है वो एक दिन में एक लड्डू बना रहा है, ठीक है। और क्यू और आर मिलकर दोनों दो लड्डू बनाते हैं, इसका मतलब है आर अगर एक लड्डू बनाता है तो क्यू भी जो एक दिन में है वो एक लड्डू बनाता है। तो टोटल काम कितना करना है इसको 200, तो 200 लड्डू बनाने में कितना समय लगेगा 200 दिन, इसका मतलब है पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका आपको मध्यानुपाती बताना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका मध्यानुपाती क्या होगा अंडर रूट 256 इंटू 484, तो इसका बाहर निकल के कितना आएगा 16, इसका बाहर निकल के कितना आएगा 22, तो 16 दूनी 32, हासिल लगा 3, 16 दूनी 32 और 3 कितना हुआ आपका 35, यानी कि कितना हुआ 352। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है कि शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है, जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर पर आवर है। एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान पर जाता है और फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर लौटता है, तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय क्या होगा। देखो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो यहाँ पर दूरी कितनी है भाई 105 की, जाने में भी 105 तय करेगा और आने में भी 105 तय करेगा। जब जाएगा तो धारा के साथ जाएगा, तो धारा के साथ चाल क्या होगी जुड़ जाएगी, यानी कि कितनी चाल होगी आपकी 10.5 की चाल होगी, और धारा के विपरीत क्या होगी चाल, इसमें से इसे घटाएंगे यानी कि 7.5 होगी। तो यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे, जीरो बढ़ा देंगे, यानी कि यहाँ पे टाइम कितना आया 10, और यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे जीरो बढ़ाएंगे। अब देखो काट सकते हैं 15 से काटेंगे तो 15 7 105 और 15 5 75, 5 से काटेंगे तो कितना हुआ 14, यानी कि टोटल जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 24 घंटे, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, काम पूरा होने तक वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, पहले दिन ए से शुरू करते हुए कार्य को पूरा करने में ए और बी को कितना समय लगेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो जब भी बारी बारी से काम होगा तो ये जरूर दिया होगा कि काम की शुरुआत किससे हो रही है, तो यहाँ पे दिया हुआ है काम की जो शुरुआत है वो किससे हो रही है ए से हो रही है। तो ए किसी काम को जो है 18 दिन में करता है, बी जो है उसी काम को 12 दिन में करता है, तो एलसीएम ले लो कितना हुआ 36, यानी कि एक दिन में दो लड्डू बनाता है और ये 3 बनाता है। अब बारी बारी से काम करते, इसका मतलब ए ने पहले दिन काम किया फिर बी ने काम किया, यानी कि 2 दिन में कितने लड्डू बने 5, तो ये साइकिल कितने बार ले जा सकते हैं, देखो 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ सकते हैं 5 7 35, क्योंकि इससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो काम ज़्यादा हो जाएगा, जबकि काम में 36 ही कराना है, तो 7 से इधर भी गुणा कर देंगे, इसका मतलब है 14 दिन में कितने लड्डू बने 35। अब जितनी भी साइकिल होंगी, चाहे एक साइकिल हो, दो साइकिल, तीन साइकिल, कंप्लीट होने के बाद बारी किसकी आएगी, उसी की जिसने काम शुरू किया, यानी कि काम जो बारी आएगी वो किसकी आएगी ए की आएगी। अब देखो ए जो है वो एक दिन में दो लड्डू बनाता है, बनाने कितने बचे लड्डू 1, तो एक लड्डू बनाने में से कितना टाइम लगेगा 1/2, इसका मतलब है 14 से ही 1/2 दिन में टोटल 36 लड्डू बन जाएंगे, इसका मतलब है तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका
बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 80 रुपये है, तो बताइए धनराशि क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसका जो डिफरेंस होता है वो आर का आर परसेंट होता है, तो 4 का 4% यानी कि 0.16% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 80 के बराबर है। तो पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, 16 पंचे कितना हुआ 80, यानी कि 1% की वैल्यू 500, तो 100% की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 50,000 आ जाएगी, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने इससे पहले भी किया था, ए और बी के बीच एक चुनाव में बी ने 16,200 मत प्राप्त किए और ए को कुल मतों के 8% से हराया, यानी कि हार जीत जो हो रही है वो 8% से हो रही है, यदि कोई मत अवैध नहीं हुआ यानी कि 100% वोटिंग हुई और 100% वोटिंग वैलिड हुई, ठीक है, तो ए और बी के मतों में कितना अंतर है, यानी कि इस 8% की वैल्यू ही आपको निकालनी है, क्लियर। और ये कैसे निकलेगी इसका, इसके लिए हिंट दिया हुआ है कि बी ने टोटल कितने मत प्राप्त किए, 16,200, अब ए और बी टोटल इनके बीच में 100% ही वोट पड़ते हैं, इनके बीच का जो फासला है वो कितना है 8%, तो 8% निकाल दो बचा कितना 92%, वो इनमें आधा आधा बांट दो, यानी कि 46% इसको मिले 46% इसको मिले, लेकिन फिर ये कंडीशन फुलफिल करो, ए को कुल मतों के 8% से हराया, किसने, बी ने, यानी कि ए हार गया, इसका मतलब है बी को 8% ज़्यादा मिले, इसका मतलब है इसको कितने मिले 54% और इसको कितने मिले 46%। अब यहाँ पे बी के जो मत हैं वो कितने हैं 16,200, यानी कि 54% की जो वैल्यू है वो 16,200 के बराबर है, ये कितना गुना है इसका 3 गुना, यानी कि 1% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर आई 300 के बराबर, तो 8% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8×3=24, यानी कि 2400, तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे पूछ रहा है कि बा अधिकतम संभावित लंबाई ज्ञात करें जिसका उपयोग 8m75cm, 1.75m, 12m20cm लंबाई को सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सकता है। तो जब भी अधिक से अधिक पूछा जाए तो समझ जाओ कि आपको क्या निकालना है, SCF निकालना है। जब आपका कम से कम पूछा जाए तो समझ जाओ कि आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में तो इसे लिख सकते हैं 875 सेंटीमीटर, इसे लिख सकते हैं 175 सेंटीमीटर, इसे लिख सकते हैं 1220 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका SCF निकालने का तरीका क्या है, देखो SCF अगर कई संख्या दी उनका SCF निकालना है तो वो दो नंबर लो जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम है, तो या तो SCF वो डिफरेंस होगा या डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, देखो जो ऑप्शन दिए हैं, देखो जो इसका SCF होगा वो 10 नहीं हो सकता क्योंकि 10 के लिए सभी में 0-0 होने चाहिए लास्ट में, ठीक है ना, 20 हो सकता, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, या तो 15 होगा या 5 होगा। अब इसे 15 से काट के देखो, 15 से काटेंगे 15×5=75, कितना बचा आपका 12, जाएगा नहीं इसका मतलब 15 भी पॉसिबल नहीं है, इनका SCF जो होगा वो क्या होगा 5 होगा, 5, ये भी संख्या कटेगी, ये भी कटेगी, ये भी कटेगी, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। बाकी ये हमारा एप्लीकेशन है ऑल इंडिया, जो आपका वीकली लाइव मॉक होगा वो इसी पे होगा, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस क्लास को ज़्यादा शेयर करना है, उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।